ये आपने यासर शामी को एंकर कहा है तो ये सारे एंकर आपसे नाराज हो जाएंगे। वो क्यों? ए, एंकरों की तजलील तो ना करे यासर शामी को एंकर कह के। एंकर नहीं है वो, कॉमेडियन है। मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ, जहीर से बड़ी आशक है दुआ ज़ारा जहीर की। दुआ ज़ारा जहीर से बहुत प्यार करती है, क्यों करती है ये नहीं पता। दुआ के लाइफ थ्रेट की बात की है, ये बात आपकी बिल्कुल सच्ची है। जहीर था कराची में? बिल्कुल था, मेरा ये मानना है। एक यूट्यूबर पढ़ी लिखी है, उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की हुई है गिस्टालोजिस्ट में, वो जो है बेबो की रोशनी, आई लव यू। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से, मैं हूँ फैसल खान सूरी। मेरे साथ मशहूर व मारूफ एडवोकेट जाफरी साहब मौजूद हैं। इनसे आज बहुत सी बातें डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे अफसोस हुआ जब मैं इनके घर पहुंचा तो मुझे मालूम पड़ा कि इन पे हमला किया गया है, इनको मारने की कोशिश की गई है, सिर्फ इस वजह से कि ये हकायक पे मबनी बात करते हैं, हकीकत सामने लेकर आते हैं। अगर इनके गार्ड्स घर में मौजूद ना होते तो शायद आज ये हमारे साथ मौजूद ना होते। कुछ यूट्यूबर्स ने ये भी कहा है कि कुछ 33 लोग हैं जिन्होंने अगवा किया है दुआ को, वो अब सिंध के थानों में धक्के खाएंगे। अब देखते हैं कि क्या बनता है, जाफी साहब हमें बताएंगे कि अब आगे क्या होने जा रहा है। कुछ यूट्यूबर जो सामने आ रहे हैं, जो इस पे बहुत से हकायक लेकर आ रहे हैं, जाफी साहब से ही बात करते हैं। जाफी साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर आप महफूज रहे आज? जी अल्हम्दुलिल्लाह। असल में मैं ये बात नहीं करना चाहता था, आपने कर दिया। मेरे छोटे भाई हैं, कुछ लोग मुझे अप्रोच कर रहे थे कि आप हमारे साथ भी आएँ ज़रा बात करें। वो मैं समझता हूँ इन चीज़ों को, मुझे काफ़ी टाइम हो गया वकालत में। मैं समझता हूँ कि वो जिस तरह नहीं किया था मंसूर अली ख़ान ने खलील रहमान कमर के साथ कि ये, तो वो फिर उन्होंने कुछ, उन्हें पता था मेरे घर का, आए हैं उन्होंने बदतमीज़ी करने की कोशिश की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, महफूज रहें। सर बहुत अहम सवाल करने चाह रहा हूँ, जो उनके वकील हैं मेहदी साहब के, उन्होंने आज बयान दिया है कि जब दुआ ज़हरा अगवा हुई है, कराची से लाहौर मुंतकिल हुई है, तब जहीर कराची में मौजूद था। ये मेरा डे फर्स्ट से मानना है। हाँ मेरा पहले दिन से मानना है जहीर था कराची में। बिल्कुल था, मेरा ये मानना है। देखें मैं जहीर और दुआ से आज तक लाइव मिला भी नहीं हूँ, ठीक है। मैं किसी का भी पेड नहीं हूँ, मेरी मर्ज़ी है मैं बैठ के आपके साथ बात कर रहा हूँ। आज जिन लोगों ने बदतमीज़ी करने की कोशिश की और अपने मुंह की खा के गए हैं, वो समझ रहे थे कि हम 12-14 इकट्ठे होकर जाएंगे तो शायद, मैंने कहा नहीं मैं बात करूँगा आपसे, आप जा सकते हैं, ठीक है। और फिर उनको समझा के मेरे साथ थे जो उन्होंने भेजा, उनको चीज़ ही होती है कि मैं बात बिल्कुल मेरिट पर करूँगा। जब लड़की घर से भागती है तो गली की नुक्कड़ पर खड़ा होता है लड़का, ये लोगों को तस्लीम करना चाहिए। 16-17 साल की बच्ची कैसे आ सकती है कराची से? कौन टैक्सी वाला लेके आएगा इस तरह की बच्ची के साथ? तो रिक्शे वाला नहीं जाएगा यहाँ मेरे घर से जिना हॉस्पिटल तक। तो आज आप कह रहे हैं कि दुआ झूठी है? नहीं, ये झूठी वो बच्ची नहीं है। आज अगर दुआ और जहीर फ्रंट पे रहते ना, तहस नहस फेर के रख देते इस उल्लू के पट्टे की, काजमी की। ये उनके वकीलों ने शायद कहा होगा और ये गलत कहा, मैं ये कहता हूँ गलत का, सच बोलना चाहिए था कि जी मैं इस बच्ची के, 3 साल का उनका अफेयर था, 2-3 दफ़ा पकड़े भी गए। उनको सच बोलना चाहिए था कि जी इसी तरह हमारी बातचीत होती थी, इसने कहा कि मैंने घर से जाना है, मैं इसको लेने आया फलां जगह पे, ये खुद आई, मैं इसको लेके आ गया, तो ये जहरवान था, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये अगवा के ज़ुमरे में नहीं आता? नहीं यार, मैं आपको एक खुशखबरी दे दूँ, बच्चा होने वाला है। आपको भी एक खुशखबरी दे दूँ, नहीं बच्चे को छोड़ें, बच्चा होने भी वाला है तो अभी ये चीज़ें नहीं हम बातें करते, इस तरह की बात पहले डिस्कस हो चुकी है। अच्छा हो भी सकता है। खुशखबरी यह है कि आज मेहदी काजमी का केस ख़त्म हो गया। अच्छा। आज उसके केस के फट्टे चुक दिए हैं। आज जबरान नासर के मातम और वैन सुने, आज रो रहा था वो, आज गया है चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन लेके। जज अपने आर्डर साइन करता रहा, मुझे उस बंदे ने बताया जो कोर्ट में मौजूद था। अब लिंक बन गया मेरे भी, वो जिस तरह आप कह रहे हैं ना, मशहूर नहीं हूँ मैं, लेकिन अब लोग ना देखिए ये सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आते हैं, लोग नाम लिखते हैं, सर्च करते हैं बंदा, लोग फिर रिक्वेस्ट करते हैं, जो बंदा रीज़नेबल लगे फिर हम नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। तो आज वो बंदा समझ लें कि उसी कोर्ट में था, उसने कहा कि जज फाइलें पड़ी थी, वो साइन कर रहा था। जबरान नासर ने जो अलफ लैला, जो इमरान सीरीज़ के किस्से सब कुछ सुनाए, जज ने कहा अच्छा ठीक है देखेंगे फिर, अभी इसको मैं डिसाइड नहीं कर रहा, बाद में देखेंगे। और फिर जबरान नासर रो रहा था और कह रहा था कि हम अब पुलिस को भी नहीं छोड़ेंगे, वो पुलिस तो अपनी है, गवर्नमेंट तो है,
ये केस सूरी साहब, मैं आपके शो में बात कर रहा हूँ आज, ये केस पंजाब का होता, ये केपीके का होता, ये बलूचिस्तान का होता, ये कश्मीर का होता, ये गिलगत का होता, ये अभी तक केस ख़त्म हो जाना था। ये सिंध का केस है, ये सिंध की पूरी जो गवर्नमेंट है, शैला रजा मीन जरदारी, जरदारी टू है वो, मैं उसको कहता हूँ, सीनियर वजीर है उनकी, पुरानी उनकी। अब मैदी काजमी मुँह में फीडर ले के, नहीं मुझे नहीं पता, वो वाली नहीं होती, मुझे नहीं, नीचे ज़मीन पर बैठ के वो एड़ियाँ मारनी, मुझे नहीं पता, ये ड्रामे कर रहा है। ऊपर से फिर वो हुकूमती प्रेशर है, पुलिस क्या करे। ये हमारी बदबख्ती है, हमारा एक मेन अदारा है जिसको हम तबाह करने पर तुले हुए हैं। और मैं आपके प्रोग्राम में ये बात बता रहा हूँ, सबसे पहले मैं ब्रेक कर रहा हूँ ये बात, 363 सेक्शन 363 PPC और मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट जो सिंध का है 2013 उसकी सेक्शन 3, 4, 5, ये जो दोनों ऑफेंस लगाए जा रहे हैं ये दोनों बेलेबल हैं। इसके ऊपर ऐसे बेल होगी अगर ये पकड़े भी जाते हैं, जो कह रहे थे ना जहीर रुल जाएगा, जहीर ये हो जाएगा। हुण सवाल जे एवी जिहड़ा पुलिस ने रिक्वेस्ट की है कि असी इहदे ते उत्ते दफा ला रहे हैं अगलियां ख़त्म करके, वो सिर्फ पुलिस ने दबाव चाह के की है, अदरवाइज केस नहीं बनता। सर कहा जा रहा है कि 33 लोगों को पकड़ लिया गया है, उनकी वीडियो सामने आ गई है, जिन लोगों ने दुआ को अगवा किया था। ये आज जो पुलिस ने प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करवाई है ना, ये उसमें चीज़ें उन्होंने पुलिस ने दी हैं। और ये जो जाली और झूठे यूट्यूबर हैं ना, मैं अब इनको क्या कहूँ, ये जो यूट्यूब के कह दें आप, यूट्यूब के रस्तू बने हुए हैं जो, ये इन्होंने अब उसमें से मनपसंद की स्टोरियाँ निकालनी हैं व्यूज़ के लिए। अब गैंग है या 33 बंदे हैं, उन 33 बंदों में से 10 बंदे डिस्चार्ज हो चुके हैं, ये किसी ने नहीं बताया अभी तक आपको। उसमें से जो नकाह खां और गवाह था उनको डिस्चार्ज नहीं किया गया, 12 बंदे जो हैं पहली दफ़ा में पकड़े गए थे, 10 बंदे उसमें से पुलिस ने डिस्चार्ज कर दिए। अच्छा। जी डिस्चार्ज होता है कि उनको बेगुनाह करके उन्हें उन्होंने कहा कि आप घर जाएँ। सर बहुत से लोग अब सामने आ रहे हैं, कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने पहले इस पर कोई व्लॉग नहीं किया, लेकिन यासिर शामी साहब जो कि बहुत सीनियर एंकर कहलाते हैं, उन्होंने व्लॉग किया है और उन्होंने कहा है कि दुआ जहरा को अगवा किया गया है और कुछ ऐसे हकायक हैं जो हमारे सामने नहीं लाए जा रहे, इस आवाम को पागल बनाया जा रहा है। ये आपने यासिर शामी को एंकर कहा है तो ये सारे एंकर आपसे नाराज़ हो जाएंगे। वो क्यों? एंकरों की तजलील तो ना करें, यासिर शामी को एंकर कह के। एंकर नहीं है वो, कॉमेडियन है। अच्छा है, वो कॉमेडियन है, कॉमेडी करता है वो। अब ये मामला ऐसा है, वो इकरारुल हसन का दोस्त है, तो इकरारुल हसन ने सोचा होगा कि मैं तो अब इस सारे मामले में से भाग गया हूँ, तो अब इस जोकर को आगे करता हूँ, उसकी बात की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। उनको जोकर कह रहे हैं? है जोकर यार, क्या उसने, ये इस तरह के लोग जो है ना, देखें उसने क्या किया था, उसने इकरारुल हसन को आयशा इकराम वाले केस में शामिल किया, इकरारुल हसन को उसने एम्बेरस करवाया, खुद वो TRP और रेटिंग लेके निकल गया। इसी तरह से वो उसने जुनैरा को बुलाया, जुनैरा माहम है जो, ये जिन्होंने दुआ और जेर का वो जामे श्री वाला इंटरव्यू किया था, बुला के तो उनकी तजलील कर रहा है, थर्ड क्लास और अजीब अजीब चीज़ें। ये चीज़ें गलत हैं, ये इन चीज़ों के ऊपर, इन चीज़ों को बकायदा यार मैं कहता हूँ ये सोशल मीडिया पे ना बहुत जल्द हो जाएगा। सर कुछ ब्लॉगर्स कह रहे हैं कि दुआ जहरा को अब मार दिया जाएगा, लेकिन नाम दिया जाएगा खुदकुशी का। अल्लाह ताला ना करे, ये भी बात इसी डफर ने की है, इकरारुल हसन ने अपने सेकेंड ब्लॉग में, ये इसने बकवास की है ये भी, इसके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। देखें दुआ जहरा, मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ, जहीर से बड़ी आशिक है दुआ जहरा जहीर की, ठीक है, दुआ जहरा जहीर से बहुत प्यार करती है, क्यों करती है ये नहीं पता, लेकिन मैं एक जो जहीर है ना, मैंने उसके साथ उस दिन लाइव में बात की एक आधी दफ़ा, और किसी दोस्त के रेफरेंस से मेरी बात हुई, मैंने उसके व्लॉग सुने, वो बच्चा इतना मैच्योर है यार, वो बात इतने प्यार से करता है, वो कुछ वो लड़की हो जानी थी उसके ऊपर फ्लैट और उसने कर ली। अब ये चीज़ें लोगों को बर्दाश्त करनी चाहिए यार, यहाँ पे सूरी साहब कितनी शादियाँ जो आपके फैमिली स्टैंडर्ड के अगेंस्ट होती हैं। नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उनके मिलिट्री अतालशी के साथ उनकी बेटी ने कहा मैंने शादी करवानी है, और वो शादी हुई और आज अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है। बच्चे जो 16-17-18 साल के होते हैं, ये कच्ची उम्र का इश्क होता है सूरी साहब, शायर मर गए हैं,
कच्ची उम्र के इश्क के ऊपर शेर, नज़में, गज़लें लिख लिख के और आज तक लिखे जा रहे हैं। और मैं यहाँ पे बरमला कहूँगा कि इन बच्चों को कोई जुदा नहीं कर सकता। और ये जो आपने दुआ के लाइव थ्रेड की बात की है, ये बात आपकी बिल्कुल सच्ची है। सूरी साहब, बहुत मजाक हो गया, क्या दुनिया में पहली लव मैरिज है? एक सिंपल लव मैरिज का केस, एक सिंपल कोर्ट मैरिज, जिस तरह की सैकड़ों रोजाना होती हैं, उस केस को आपने क्या बना दिया यार? उस केस को आपने बना दिया कि कोई अलकायदा तक इन्वॉल्व हो जानी थी अगर आप जैसे चंद लोग ना माइक पकड़ के दुआ और जहीर के लिए बोल रहे होते। तो मैंने इसलिए, जब मैंने ये सारा कुछ देखा, मुझे एक दो जगह से जिस तरह आपने मुझे अप्रोच किया, अप्रोच हुई, तो मैंने कहा यार मुझे बात करनी चाहिए। और मैं ऑडियंस यहाँ पे आपको बिल्कुल बरमला कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ उन बच्चों की जिंदगियों के लिए और आप लोगों को सच बताने के लिए ये बातें कर रहा हूँ यहाँ पे कि खुदा रा समझें तो लीव करना चाहिए, उन बच्चों को ज़िंदगी गुजारने देनी चाहिए। सूरी साहब, बड़ा सब, अब वालिद मोहतरम क्या करेंगे दुआ के? वालिद मोहतरम पहले क्या कर रहे हैं, वो फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है बंदा जी। किस तरह से? ये उसको बड़ी फंडिंग हो रही है, बड़े लोग देखें आपको, एक बंदा यूके में बैठ के उनके लिए कंपेन कर रहा है। आप जब यूट्यूब खोल लें तो उसका शो आपके सामने आ जाता है, वो 500-600 बंदे देख लेते हैं उसके 3 घंटों में। तो वो लोगों को मोटिवेट कर रहा है। और बिहाइंड द सीन जो इसके ननियाल हैं दुआ के, वो सारे सुना है कि बड़े सेटल्ड हैं। और उनके जो आगे फिर जानने वाले हैं, फिर जो आम लोग, जो मजहबी हमारी एक जो अहल तशी में बड़ी मोहब्बत है, जिस तरह आपकी अहल सुन्नत की आपस में भाइयों की होती है, वो फिर हमारी हर मजहबी, हर कौम की, हर ज़ात की एक एक अपनी आजकल तंजीमें भी हैं, लोगों ने बनाई हुई हैं, उनको मजहबी तंजीमें भी कह सकते हैं आप, या उनको जिस तरह से भी आप, जो भी। मैं ज़्यादा खुल के इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं ऐसे जो इश्यूज हैं वो मैं चाहता हूँ कि ना छेड़ें। सब आपके कार्टून बनाए जा रहे हैं, इस बारे में क्या कहें? मैं, मुझे अच्छा लगता है, मुझे बिल्कुल, जो बंदा भी मेरा देखें, कार्टून किन के बनते हैं, ज़ाहिर बात आप बहुत फेमस हैं। नहीं नहीं, मैं फेमस नहीं हूँ, मुझे तो ये 2000 वाले केस में ही हम आए हैं। तो अभी लोगों को, कई लोगों को तो मैं शायद बाहर मिलूं तो मुझे पहचाने भी ना, और मैं फेमस होने के लिए आया भी नहीं हूँ। अगर मैं फेमस होने के लिए आया होता, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल बना लिए हैं, मेरा, मैंने ना अभी तक बनाया है, ना मुझे आगे बनाने का पता है, ठीक है, ना ही मेरा कोई प्लान है बनाने का। सर, बहुत से यूट्यूबर ऐसे हैं, बहुत से यूट्यूबर ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, कमीने हैं, घटिए हैं, जो उनके लिए अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं कम हैं, लेकिन वो यूट्यूबर आपको गालियां दे रहे हैं, वो यूट्यूबर उनको गालियां दे रहे हैं जो हकायक सामने लेकर आते हैं और सच पे मबनी बात कर रहे होते हैं। नहीं, एक यूट्यूबर पढ़ी लिखी हैं, उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की हुई है गिस्टालोजिस्ट में, वो जो हैं बेबो की रोशनी, वो सीनियर, वो डॉक्टर हैं अपनी फील्ड की, बाकी सारे ऐसे ही है जिस तरह आप कह रहे हैं। लेकिन उनके कौन से रोड पे होती हैं ये? सर, हर रोड पे ही होती हैं ये, इनको जहाँ से कोई पकड़े और जहाँ पे उतार दे, ये वहीं से अपना सफ़र शुरू करती हैं, ये वापस नहीं जाती। ये बेबो की रोशनी, आई लव यू। जी, चावरी साहब ने एक खतून को प्रपोज़ भी कर दिया, शायद वो प्रपोज़ल कबूल करें या ना करें ये उन पर डिपेंड करता है। लेकिन जाफ़ी साहब के लिए बहुत सी तारीफ़ें आई हैं, मुझे बहुत सी कॉल्स आई हैं ऐसी जो जाफ़ी साहब की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे, कनाडा से, इंग्लैंड से और भी बहुत से कंट्री से मुझे कॉल्स आई। जाफ़ी साहब बहुत शुक्रिया आपका, जाफ़ी साहब के बारे में बहुत सी तारीफ़ें मुझे वसूल हो रही हैं और बहुत से लोग मुख्तलिफ कंट्री से मुझे कॉल्स करके कहते हैं कि जाफ़ी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसी तरह इसको कंटिन्यू रखें। और सारिम बर्नी साहब, अगर आपको नहीं मालूम उनका, तो आप गूगल कर सकते हैं सारिम बर्नी ट्रस्ट के बारे में, अगर आपको नहीं मालूम सारिम बर्नी ट्रस्ट, सारिम बर्नी साहब जिनके ऑनर हैं, उन्होंने कल मुझे कॉल करके, मैसेज करके कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसी तरह सच सामने लेकर आएं, ये कराची वाले सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ व्यूज़ की खातिर ये यूट्यूबर्स को बुला लेते हैं अपने घरों में और बेटी की इज्जत को ख़राब कर रहे हैं। हम जो काम कर रहे हैं इंशाल्लाह ये करते रहेंगे और सिर्फ सच पे मबनी खबर आप तक लेकर आएंगे, ताकि आपको मालूम पड़े कि हकीकत क्या है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।